बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक एफएससी पार्ट टू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन वाज 60 मिलियन इन 1961। 1961 के अंदर पाकिस्तान की कुल आबादी 60 मिलियन थी एंड 95 मिलियन इन 1981। और 1981 के अंदर पाकिस्तान की आबादी 95 मिलियन तक पहुंच गई। यूजिंग टी एज द नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर 1961 के बाद जितने भी ईयर्स आते हैं उनको टी से डिनोट किया जाएगा। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है दैट गिव्स द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टी। टी की सूरत में आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। दिस इक्वेशन टू फाइंड द पॉपुलेशन, और ये इक्वेशन जो है इससे आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है। किसकी? 1947 की और 1997 की। फॉर दिस पर्पज वी कैन ड्रॉ फर्स्ट द पॉपुलेशन पी एंड द सेकंड ईयर्स टी। पॉपुलेशन कैन बी डिनोटेड विद पी एंड ईयर्स विद बी डिनोटेड विद टी। Then P1 T1 and P2 T2. P1 is the population, T1 is the years. P2 is the population, T2 is the years. Now find the slope that can be used in the equation of line. y2 minus y1 over x2 minus x1. Here y2 is t2 and y1 is t1. Over x1 is p1 or x2 is p2. So the result इस तरह हम निकाल लेंगे t2 minus t1 over p2 minus p1, तो वो बराबर आ जाएगा 20/35। अगर हम इसको कैंसिल करें और ये हमारे पास 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 4 20 और 5 7 35। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। तो यहां जो इक्वेशन ऑफ आप यूज करने जा रहे हैं उसका फार्मूला बनता है t-t1 इज इक्वल टू m x p-p1। Putting the values of T1 and P1, T minus 1961 is equal to 4/7 into P minus 60. यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 7/4 इंटू टी माइनस 61 इज इक्वल टू पी माइनस 60। अब जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी वो हम दर्ज कर देंगे। पी हम सेपरेट करते हैं, 60 इधर आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब देखना ये है कि अब हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 1947 और पी की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, 60+7/4 इंटू टी माइनस 1961। हेयर टी इज द 1947। इसको सिंपलीफाई करने से हमारे पास आंसर आया 35.5 मिलियन। इसी तरह अगर हम टी की वैल्यू 1997 दर्ज करते हैं तो पी की वैल्यू हमारे पास 123 मिलियन आ जाएगी। वेरी सिंपल था ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।